हेलो एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आरटरीज वेन्स एंड ब्लड कैपलेज आर्ट्रज क्या करती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर थिक वॉल्ड वेन्स क्या करती हैं कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे आर थिन वॉल्ड ब्लड कैपलरीज हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ब्लड और सेल्स के बीच में ये क्या करती हैं गैसेस एक्सचेंज करती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतली होती हैं एज कम्पेयर टू वेंस देन उससे आगे है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस इनके बीच में मेन डिफरेंसेस क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की ये क्या करती हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती हैं जबकि वेंस क्या करेंगी पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएंगी कहाँ पर हार्ट में टूआर्ड द हार्ट आर्टरीज को क्या बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जबकि वेंस क्या करती हैं कलेक्ट करके लेके आती हैं हार्ट के अंदर इसीलिए इन्हें कलेक्टिंग वेसल्स भी बोला जाता है देन थर्ड पॉइंट है आर्टरी इज थिकर देन ए वेन एंड ए वेन इज कम्पेरेटिवली थीनर ये हमने अभी पढ़ा था देन फोर्थ पॉइंट है द पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होगी लंग्स से रिलेटेड वर्ड को क्या बोला गया है पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होगी जो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और जबकि पल्मोनरी वेन क्या करेगी कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैसी होती हैं आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं फार फ्रॉम द स्किन इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं देती जबकि वेंस हमें ईजिली अपने हाथों पे पैरों पे दिखाई देती हैं जो सुपरफिशियल होती हैं सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है नियर टू द स्किन जो हमें ईजिली दिखाई देती हैं दे हैव थिक वॉल एंड डो नॉट हैव वॉल्स और वेंस में क्या होती हैं ये पतली होती हैं और इनमें वॉल्व भी पाई जाती हैं जबकि वॉल्व आर्टरीज में नहीं पाई जाती देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है इट इज द प्रेशर दैट ब्लड एक्जर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल्स ब्लड की वजह से वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्जर्ट होता है उसे क्या जाता है? बोला जाता है ब्लड प्रेशर बोला जाता है ब्लड प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज देन इन वेन्स ऐसा क्यों है कि आर्टरीज का ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा पाया जाता है क्योंकि हर्ट जब भी ब्लड को पंप करता है तो आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है एंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट ये एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है आप लोगों ने बहुत बार डॉक्टर के पास गए हो तब देखा होगा स्पिगमो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या किया जाता है बीपी को चेक किया जाता है देर आर टू वेरियंट ऑफ ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है द प्रेशर जनरेटेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन की वजह से जब ब्लड प्रेशर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा जबकि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जब ब्लड वेसल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वॉल्स के ऊपर उसे क्या बोला जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा और ये हाई होता है जबकि डायस्टोलिक प्रेशर कैसा होता है लो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 by 80 mmHg. और जब भी कभी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है तो उसे हाइपरटेंशन बोला जाता है देन उसके बाद है एक टर्म ईसीजी ईसीजी क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या होता है ईसीजी एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट इन दी हार्ट हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और डिफरेंट डिजीज के बारे में पता लगाया जाता है Then उसके बाद एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है एक येलोइश कलर का फ्लूइड है वो पाया जाता है ए येलोइ फ्लूड एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपलरीज इन द इंट्रा सेलुलर स्पेस ब्लड कैपिलरीज से निकलता हुआ एक येलोइश कलर का फ्लूड कहाँ जाता है इंटरसेलुलर स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है दो सेल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उनसे इंटरसेलुलर स्पेस बोला जाता है अब बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप होगा जो टिश्यू होगा उसमें तो कई सारे इंटरसेलुलर स्पेस होंगे वहां पर क्या होता है लेस प्रोटीन होता है देन कंपेयर टू ब्लड इस सिस्टम में क्या क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है लिम्फ वेसल्स होती हैं लिम्फ कैपिलरीज होती है और लिम्फ नाम का फ्लूड है वो पाया जाता है लिम्फ कैपिलरीज आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन द बॉडी दीज कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स ये कैपिलरीज एक साथ मिलकर क्या बना देती हैं लिम्फ वेसल्स बना देती हैं इन दीज वेसल्स द लिम्फ फ्लूड फ्लोज ये फ्लूइड कहाँ से कहाँ क्या करता है इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यू इंटरसैलुलर स्पेस से कहाँ चला जाता है ये हार्ट में चला जाता है और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में और डेस्ट्रॉइंग जर्म्स इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्व फैट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बहुत बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि लिम्फ का क्या काम होता है ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्व फैट को कहाँ से लेके आता है इंटेस्टाइन से जब भी हम कुछ ऑयली या फैट से रिलेटेड कोई चीज़ें खाते हैं तो ये एब्जॉर्व कर लेते हैं इंटेस्टाइन से और कहा ले जाकर डालते हैं ड्रेन एक्सेस फूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इन टू ब्लड उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस जैसे ह्यूमन बॉडी में और डिफरेंट एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारे अंदर भी क्या था लिम्फेटिक सिस्टम था ब्लड वेसल्स थी अलग अलग चीज़ों को फूड को वाटर को कैरी करने के लिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर प्लांट्स में भी ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए कौन से कौन से हैं देर आर टू टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स नेमली जाइलम एंड फ्लोएम सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम के बारे में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका काम क्या है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इट इज कम्पोज ऑफ ट्रैकेट्स वेसल्स जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरन कायमा इसमें से जो पेरन कायमा है वो लिविंग है जबकि जो अदर कंपोनेंट्स हैं ट्रैकेड वैसल्स और जाइलम फाइबर वो सभी क्या हैं डेड है इट्स मोमेंट इज यूनिडायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है का मतलब आप यहां इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होगी तो उसे एक डायरेक्शन वाली चीज को क्या बोला जाएगा डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में उसके बाद एक टर्म एसेंट ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स अब सबसे कॉमन बात है कि पानी पौधों में कहा से लिया जाता है जड़ों से लिया जाता है तो जड़ों से रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा प्लांट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा इस जाइलम के द्वारा पहुंचेगा उसे क्या बोला जाता है उस अपवर्ड मूवमेंट को बोला जाता है असेंट ऑफ सैप द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप डिफरेंट फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूट इन इट अब पानी को जड़ों से पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रेशर लगते हैं उन प्रेशर्स के हम बात करते हैं कौन से वो फोर्सेस हैं उनकी बात करते हैं सबसे पहला है रूट प्रेशर वॉल ऑफ द सेल ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन वॉटर फ्रॉम सोइल एंटर इन टू द रूट हेयर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिक ऑस्मोसिस का आप सभी को सभी को पता होगा इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू बेस ऑफ द स्टेम ये रूट प्रेशर है ये कुछ एक पौधों में चलता है जिनकी हाइट कम होती है या थोड़ी बहुत ऊंचाई तक ये जो रूट प्रेशर है वो काम कर सकता है लेकिन जो ज़्यादा ऊंचाई के पौधे होते हैं उनमें ये प्रेशर ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता वो थोड़ी बहुत ऊंचाई तक तो ले जा सकता है पानी को लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं तो इसके अलावा सेकेंड क्या है कैपलरी एक्शन ए वेरी थिन ट्यूब इज कॉल्ड कैपलरी पतली पतली सी नलियाँ होती हैं लिक्विड राइज इन इट बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्स एंड दिस फिन इज कॉल्ड कैपलरी एक्शन देन नेक्स्ट है थर्ड टाइप का जो फोर्स है वो है एडहेशन कोहेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स वाटर मोलिक्यूल्स क्या करते हैं एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं जाइलम के अंदर जिसके थ्रू वो क्या करते हैं पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं प्लांट बॉडी में देन फोर्थ है ट्रांसपिरेशन पुल लॉस ऑफ वाटर वेपर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस का सभी को पता होगा जब पौधों से क्या होता है स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन थ्रो स्टोमेटा क्रिएट्स वैक्यूम विच क्रिएट्स ए सक्शन कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल जैसे जैसे पौधों की पत्तियों से यंग स्टेम से वाटर क्या करते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होना शुरू होता है बाहर की तरफ जाना शुरू करता है वैसे वैसे पीछे स्पेस खाली होता जाएगा उस स्पेस को फिल करने के लिए पीछे से क्या होता रहता है पानी आता रहता है जड़ों से ताकि वो स्पेस है वो फुल रहे इस तरीके से पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता रहता है पानी आता रहता है किसकी वजह से ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस की वजह से वाटर इज एबल टू राइज टू ग्रेट हाइट्स इन इवन द टॉलेस्ट प्लांट्स जो ज्यादा ऊंचाई वाले पौधे होते हैं जो ज्यादा लंबाई वाले पौधे होते हैं उनमें क्या हो जाता है मोस्टली यही जो ट्रांसपिरेशन पुल का जो फोर्स है ये यूजफुल होता है उसके बाद सेकेंड हमारा जो वेस्कुलर टिश्यू है उसकी बात करते हैं वो है फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जबकि फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पेरेंटाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स सीव ट्यूब्स क्या होती हैं आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स और उसकी मोमेंट कैसी होती है फ्लोएम के अंदर मोमेंट कैसी होगी सब्सटेंस की बाई डायरेक्शनल होगी उसके अंदर क्या थी ज़ाइलम के अंदर यूनि डायरेक्शनल थी जबकि इसके अंदर क्या होगी बाई डायरेक्शनल होगी इसके अंदर एक प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटांस लाइक फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू दर पार्ट ट्रांसलोकेशन का मतलब सीधा सा क्या है जब भी पौधों की पत्तियों में खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से उस फूड को डिफरेंट पार्ट्स में कैसे पहुंचाया जाएगा उस टर्म को बोला गया है ट्रांसलोकेशन जब कोई भी सब्सटेंस जैसे फूड फूड क्या होगा पौधों में सुक्रोज उसको प्लांट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाएगा उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोला गया है वो क्या क्या फूड हो सकते हैं शुगर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फ्रॉम द सोर्स टिश्यू सोर्स कौन सा होगा जहां पर वो फूड बन रहा है जैसे कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं मैच्योर लीव्स होती हैं टू सिंक सेल सिंक सेल्स किन्हें बोला गया है जो एरिया है ग्रोथ का और स्टोरेज का जहां पर वो फूड बनाकर पहुंचाया जाएगा उसको बोला जाता है सिंक सेल्स जहां से बना है उसे सोर्स बोला जाएगा और जहां पहुंचाया जाता है उन्हें सिंक बोला जाएगा आर ट्रांसपोर्टेड थ्रोज द और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी यूज की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी एटीपी क्या है एनर्जी करेंसी है इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम है जिसकी हेल्प से आप ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है उसे ईजिली समझ सकते हैं जैसे ये कोई एक लीव है लीव सेल के अंदर इसे पहली बात तो सोर्स बोला जाएगा और जहां इसे पहुंचाया जाएगा फूड को उसे सिंक बोला जाएगा तो ये हो गया सोर्स और ये कोई सिंक है रूट सेल मान लीजिए कि पौधे की मैच्योर लीफ में खाना बना और उसे रूट सेल तक पहुंचाना है कैसे पहुंचाया जाता है सबसे पहले लीफ सेल के अंदर सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है जो रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सुक्रोज है इसे कंपेनियन सेल्स में पहुंचाया जाएगा कंपेनियन सेल्स में पहुंचाने के बाद इसे फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब के अंदर लोड कर दिया जाएगा जैसे ही ये इसमें लोड होती हैं वैसे ही जाइलम वेसल जो साइड में जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वहाँ से पानी इनके अंदर आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही इसका वेट बढ़ता है फूड के साथ पानी जब मिल जाएगा तो इसका वेट हल्का सा बढ़ जाएगा और वो आगे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएगा और ऐसा करते करते वो अपने सिंक सोर्स तक पहुंच जाते हैं सिंक तक पहुंच जाते हैं सोर्स से कहाँ आ गए हैं सिंक तक वहाँ पर उसे अनलोड कर दिया जाएगा फूड को जैसे ही ये अनलोड होगा यहाँ से पानी वापस कहाँ चला जाता है वेसल्स के अंदर चला जाता है और इसी तरीके से जब भी जरूरत पड़ती है जब भी फूड को आगे पहुँचाना होता है साइड वाली वेसल से पानी कहाँ आ जाता है फ्लोएम के अंदर आ जाता है और ये प्रोसेस चलती रहती है इसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन थ्रोज फ्लोएम